उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक का गुर्गा नफीस बिरयानी मुठभेड़ में घायल, 50,000 का इनामी है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक का गुर्गा नफीस बिरयानी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित व 50,000 का इनामी नफीस बिरयानी का पुलिस से मुठभेड़ हो गई। प्रतापगढ़ और प्रयागराज बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखते ही अतीक के करीबी नफीस ने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि उसका एक साथी फरार हो गया। उमेश पाल हत्याकांड में 5 दिन पहले ही उस पर इनाम घोषित हुआ था। पुलिस अफसरों के मुताबिक बुधवार रात 11 बजे के करीब प्रयागराज प्रतापगढ़ सीमा पर नवाबगंज के आनापुर में पुलिस टीमें गश्त पर थीं। इसी दौरान एक बाइक पर 2 लोग आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर उन्होंने बाइक की गति बढ़ा दी और पुलिस टीम पर फायर झोंकते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस के खदेड़ने पर बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दोनों नीचे गिर गए। इसके बाद भी उन्होंने फायर झोंका। पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में एक हमलावर के पैर में गोली लगी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा, जबकि उसका साथी भाग निकला। पुलिस जख्मी बदमाश के पास पहुंची तो वहां एक पिस्टल, 2 कारतूस व बाइक मिली। पूछताछ में पता चला कि हमलावर उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी नफीस है। इसके बाद उसे SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। DCP गंगानगर अभिषेक भारती ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वो लखनऊ मार्ग से आ रहा था। वो कहां जा रहा था, इस बारे में विस्तृत पूछताछ के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। नफीस से अतीक के भाई अशरफ की बचपन की दोस्ती है। दोनों मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में साथ पढ़े थे। यही वजह थी कि अशरफ उस पर खास मेहरबान रहता था। सिविल लाइंस में MG मार्ग पर बिरयानी रेस्टोरेंट खोलने के दौरान अशरफ के ही कहने पर अतीक ने अपने कब्जे वाली नवाब यूसुफ रोड स्थित बेशकीमती जमीन नफीस को कारखाना खोलने के लिए दी थी। 22 नवंबर 2023 को थाना नवाबगंज में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ की घटना हुई है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की पहचान मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी के रूप में हुई है। ये उमेश पाल हत्याकांड का वांछित अभियुक्त है और 50,000 का इनामिया है। प्राथमिक उपचार के लिए इस अभियुक्त को अस्पताल ले जाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।